हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप थिंग्स इज फाइन। वेलकम टू डोंट डोंट वंस अगेन। तो एक सवाल आ रहा है काफी लोगों के मन में कि सैमसंग M30s में एंड्रॉयड 11 का अपडेट जो है, एंड्रॉयड 11 हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे या नहीं। तो ये आपका अगर क्वेश्चन है आपके मन में, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं कुछ अपडेट्स लेकर आया हूँ जो कि काफी कुछ बताती हैं कि M30s में हमारा पास ये एंड्रॉयड 11 की अपडेट आएगी या नहीं। क्योंकि मैं पिछले लाइव आया था तो काफ़ी क्वेश्चन आया था, काफ़ी मेरे पास कमेंट्स भी आए इसके बारे में। तो अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर हम लेके आते हैं ड्रोन स्टेटस इन्फॉर्मेशन एंड टैग जो मैं यूज़ करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। पहले देखिए इंट्रो। तो फ्रेंड्स, जहां तक M30 सीरीज की बात है सैमसंग की, तो उसमें एंड्रॉयड 11 की अपडेट आएगी या नहीं वो अभी आप आपको बताते हैं। तो उससे पहले आपको बता दें कि सितंबर में गूगल ने एंड्रॉयड 11 रिलीज कर दिया है। अब वेट है कि सैमसंग के फोन्स में, स्पेशली M30s में, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स के पास M30s है और काफ़ी मुझे भी पसंद है फ़ोन और काफ़ी पॉपुलर फ़ोन है, तो उस लेवल में सैमसंग के पास M30s में स्पेशली ये अपडेट आएगी या नहीं, ये क्वेश्चन सबके मन में है। तो अब इसका सोल्यूशन बेसिकली, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बेसिकली सैमसंग जो है आपको दो मेजर अपडेट्स देता है हर एक फ़ोन के अंदर। अभी एंड्रॉयड में ऐसा बन गया है, आपका रिवाज बन गया है, जो भी है। वैसे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे एप्पल के फ़ोन्स हैं, एप्पल के फ़ोन्स में चाहे आपका लोअर एंड का फ़ोन है, चाहे हाई एंड फ्लैगशिप है, जो भी है, जो भी अपडेट आती है वो हर एक फ़ोन में आती है। जब बहुत ही ज़्यादा हार्डवेयर पुराना हो गया वो अलग बात होगी, जैसे पुराना आईफोन 6 के पीछे वाले वो आज के अपडेट नहीं ले पाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द फोन्स लेते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। तो बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग अपने फ़ोन में बेसिकली दो बार आपको अपडेट मेजर देता है, और उसमें से एक मेजर अपडेट हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि ये जब लॉन्च हुआ था M30s तब एंड्रॉयड 9 पाई चल रहा था, वो इसमें प्री इंस्टॉल आता था। उसके बाद 10 की हमें अपडेट पूरी मेजर मिली, और अब 11 की मेजर अपडेट सेकंड है जो कि ड्यू है। और जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड है सैमसंग का, सैमसंग अपने फोन्स में दो मेजर अपडेट्स जरूर देता है। और जहां तक बात है खाली M30 की, M30 में दो मेजर अपडेट्स आ चुके हैं, क्योंकि M30 जो था, जिनके पास M30 है, उनको एक जो एंड्रॉयड 8 से वो शुरू हुए थे, एंड्रॉयड 9 की उनको मेजर अपडेट, उसके बाद 10 की भी मेजर अपडेट, तो दो अपडेट्स M30 वालों की ओवर हो चुकी हैं। लेकिन M30s और M31, ये जो दो फोन हैं ये उसके बाद रिलीज हुए हैं, और इनमें ये वाली अपडेट ड्यू है, क्योंकि ये मेजर OS अपडेट है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए सैमसंग का अपने फोन्स को लेके, तो मिड रेंज की स्पेशली, तो डेफिनेटली वी विल गेट दिस अपडेट। और मोर ओवर जो हमारे स्पेक्स हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी पिछड़ा हुआ फ़ोन है, काफ़ी अच्छी स्पेक्स हैं M30s की और M31 की बेटर डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से और पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूजन आया कि यस, आपको M30s वालों को और M30s के लेटर M31 वालों को डेफिनेटली एंड्रॉयड 11 का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जो कि रिसर्च बता रही है, पूरे ट्रैक रिकॉर्ड से मैंने आपको ये बताया। तो जस्ट आपको वेट करना है कब वो रिलीज करते हैं। एंड एक बात आपको बता दूं कि सैमसंग की तरफ से अभी ऐसा कंफर्म, जैसे होता ना कि ये इन फोन में अपडेट आने वाला है या इन फोन में अपडेट आएगा, वैसा अभी कुछ नहीं हुआ है। बट ट्रैक रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए तो ये दो मेजर अपडेट्स हमेशा सैमसंग ने प्रोवाइड करवाई हैं अपने कस्टमर्स को। तो एज ए न्यू कस्टमर और हमारे पास दूसरी मेजर अपडेट अभी तक नहीं हुई है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली एंड्रॉयड 11 का हमारे को चांस मिलना चाहिए और डेफिनेटली मिलेगा। और इसके अलावा कब तक आएगी वो अभी ऐसी कोई लीक आई नहीं है, तो आई थिंक सो जल्दी आना चाहिए, दिवाली के पास या दिवाली के बाद। एंड इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है फ़ोन को लेके, वो भी हम यहाँ जो पॉसिबल है उसके सोल्यूशन बताता रहता हूँ मैं। एंड होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, एंड एनीथिंग न्यू यू नो अबाउट 11 अपडेट तो प्लीज लेट मी नो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक बताने वाला हूँ
एक टेक बात रिगार्डिंग बैटरी यूसेज और बैटरी चार्जिंग को लेके, एक नई चीज है, काफी लोगों को आई थिंक नहीं पता होगा, तो प्लीज जुड़े रहे हमारे साथ। अब ऑलमोस्ट 14,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, एंड डेफिनेटली एक चीज और आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कब आप सब मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स फ्री होते हैं, जिसमें हम एक लाइव सेशन रखें। जैसे मैंने कल अचानक लाइव हुआ था और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मैं चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों को पहले से पता हो, तो हम एक फिक्स करते हैं टाइम, तो उसमें आप हेल्प करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सा टाइम बेस्ट है, कौन सा डे, आई थिंक संडे या सैटरडे इज द बेस्ट डे जहाँ पर सब फ्री होते हैं, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप रॉकिंग।